ये मेरे गांव पिपरई में हूँ मैं आज। अभी कुछ देर पहले हमारे गांव के कुछ लोग जमा हुए थे और हमने चर्चा की बांग्लादेश में जो हुआ दो दिन पहले उसके बारे में। पहले से मैंने ये बताया कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही मुल्क थे। 1947 में हम जुदा हुए, दो मुल्क बने, हिंदुस्तान पाकिस्तान। 1971 में फिर पाकिस्तान के भी दो टुकड़े हुए और बांग्लादेश बना। उसके बहुत बड़े नेता थे, या उसके फाउंडर कहे जा सकते हैं, शेख मुजीबुर रहमान। उनकी बेटी शेख हसीना वहाँ की 5 बार प्रधानमंत्री चुनी गई और 4 कार्यकाल तो उसने ठीक काम किया, लेकिन 4th कार्यकाल के सालों में अपने विरोधियों के प्रति वो सख्त हुई और इल्ज़ाम कई ये लगे कि उसमें कईयों को जाती करके गिरफ्तार किया गया। तो जब आखिरी चुनाव हुआ, 5वीं बार जब वो चुनी गई, तो उस चुनाव में जो प्रमुख विरोधी पार्टी थी उसने चुनाव का बहिष्कार किया और वो चुनी गई। तो कहने को तो उनको बहुत भारी बहुमत मिला, लेकिन वो जीत दरअसल शक वाली जीत थी। लेकिन दो अच्छी बातें थीं शेख हसीना में। एक तो ये कि वो सांप्रदायिकता को बर्दाश्त नहीं करती थी, और दूसरी बात ये कि वहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा थी। मुल्कों को गरीबी से निकाल के उसके पर कैपिटा इनकम को हिंदुस्तान से भी बेहतर किया उसने। खोट ये रहा कि इस पूरे प्रोसेस में आगे चल के जब बेरोज़गारी बढ़ी तो सवाल को हल नहीं कर सकी, विरोधियों को ठीक से पनपने नहीं दिया आखिरी फेज में, और वहाँ के मीडिया में एक हाँ में हाँ मिलाने की प्रवृत्ति पैदा कर दी। ये बहुत बड़ा खोट था। और एकाएक वो वहाँ पर एक आंदोलन भड़क उठा कि साहब ये 30% रिजर्वेशन जो 1971 के स्वतंत्र सेनानी उनके बच्चे और बच्चे के बच्चों को जो चल रहा था उसके खिलाफ आंदोलन हुआ, और वो आंदोलन एकाएक बहुत विकराल हो गया। और उसको दबाने के लिए इन्होंने गोली भी चलवा दी। एक दिन में 150 से ज़्यादा लोग मर गए, दूसरी बार 550 लोग मर गए, और उसके बाद लोग सड़कों पर बड़ी तादाद में पूरे मुल्क में निकल आए और देखा इनको कि भैया ये काबू से बाहर हो गया, तो फिर वो मुल्क छोड़ के चली गई, इस्तीफा दे गई। इस तरीके से सडनली हमारा जो पड़ोसी है वो एक राजनीतिक इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता में आ गया। और ये चीज़ बांग्लादेश के लोगों के लिए भी अभी दिक्कत वाली है, यानी परेशानी पैदा करने वाली है, और हम लोगों के लिए भी, क्योंकि वहाँ पे अगर सांप्रदायिकता की कोई वारदातें होती हैं तो उसका रिटेलिएशन हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान में भी हमारी हुकूमत में तमाम ऐसे लोग हैं, ऐसे संगठन जिनकी हुकूमत है कि जिनके जो नफरत पे ही पलते हैं, तो वो हमारे मुल्क में फिर बदमनी ना फैल जाए, सांप्रदायिकता के दंगे फसाद और घृणा की राजनीति और जोर ना पकड़ जाए, इसका अंदेशा हमें भी है। लिहाजा हमारी सरकार की और जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ, उनकी जिम्मेवारी है कि वो बांग्लादेश में है तो वो उनका अंदरूनी मामला, लेकिन वहाँ पर नफरत की ताकतें मजबूत ना हो जाए, वहाँ पे भी 1 करोड़ हिंदू है, उनकी हिफाजत पे कोई खतरा ना आ जाए, और उनकी आड़ में, उनके दबाने के आड़ में हिंदुस्तान में उसका बदमनी ना फैल जाए। लिहाजा हम लोगों को जागरूक रहने की ज़रूरत है और कोशिश करें कि एक पड़ोसी के नाते हमसे जो कंस्ट्रक्टिव मदद मिल सके बांग्लादेश में लोकतांत्रिक निजाम कायम करने में, उसमें हमें करनी है। यही हमारा काम है मुख्य रूप से। जितने भी हिंदुस्तानी विद्यार्थी वहाँ पढ़ रहे हैं या जितने भी बांग्लादेश के विद्यार्थी हिंदुस्तान में पढ़ रहे हैं, ये हिफाजत से अपने अपने मुल्कों में वापस जा सकें, इसकी भी सरकार को पूरी जिम्मेदारी से कोशिश करनी है। आपस में हम लोग अपने मुल्क में भी जमहूरियत को, लोकतंत्र को मजबूत करें। सरकार किसी भी सवाल पे जिस पे जनता उत्तेजित है, परेशान है, बेरोजगारी का मसला है, चाहे भर्तियों में धांधली है या नए एडमिशन्स में धांधली है, इन प्रकार की चीज़ें जो करोड़ों लोगों को प्रभावित करती हैं, उनको फौरी तौर पर सुलझाया जाए ताकि चीज़ें बेकाबू ना हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।